गोपाल आपका, और आइए आपको सीधे ले चलते हैं रायबरेली, जहां पर यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, एक सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में सलोन वासियों, रायबरेली वासियों की सेवा करते करते वे स्वयं कोरोना की चपेट में आ गए। आज वे हमारे बीच में नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सुयोग के पुत्र को आपके बीच में आपकी सेवा के लिए प्रत्याशी के रूप में फिर से भेजा है, और उनके समर्थन में आपसे अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में हम उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, आज प्रदेश के अंदर उनसठ सीटों पर विधानसभा का चुनाव चल रहा है। इससे पहले तीन चरणों में 172 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुनाव का जो रुझान आया है, चुनाव का रुझान बताता है 80% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए अग्रसर है। ये परिवारवादी, दंगावादी, माफियावादी, इन सब की जमानतें जब्त हो रही हैं, और प्रदेश के विकास, सुशासन और सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देने वाली भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता जनार्दन का प्रचंड जो समर्थन मिल रहा है, ये समर्थन अब सुनामी में बदल करके सपा बसपा और कांग्रेस की जमानत को जब्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जब दमदार सरकार बनती है तो विकास भी दमदार होता है, और उससे आपका सवान वंचित न रहे इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं विशेष रूप से आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, मैं रायबरेली की धरती को बार बार नमन करता हूं। ये धरती मां गंगा के आंचल में बसी है, मां गंगा के पार के पाए आकर है, मुनियों और क्रांतिकारियों की धरती है, और यहीं पर भारत माता के महान सपूत राणा देवी माधव भक्त सिंह जी ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ लड़ते हुए देश की स्वाधीनता के लिए अपना योगदान तो दिया। उसके साथ ही वीरापासी के सारे मैं भारत माता के महान सपूतों को आज के इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी रायबरेली और सलोन वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले जैसी सरकारें थी, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, गुंडागर्दी, कर्फ्यू, यही उत्तर प्रदेश की नियति बन चुकी थी। 2017 के बाद दंगा हुआ यूपी में, नाम सुना दंगा का, कर्फ्यू का कहीं नाम सुना? बाजारों में कहीं बमबाजी होती है? 2017 के पहले होती थी ना? आज भाइयों बहनों, कर्फ्यू नहीं लगता, आज कावड़ यात्रा निकलती है उत्तर प्रदेश से। 27 को आप वोटिंग करेंगे, और पहली तारीख को शिवरात्रि भी है। अब उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा निकलती है, और शिव भक्तों के द्वारा हर हर बम बम के नारे लगा करके भक्ति में प्राण जाते हैं। कावड़ यात्री निकलते हैं तो नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी प्रस्तुत करते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आपसे बताने के लिए आया हूं,
बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, आतंकी घटनाएं होती थी, अराजकता चरम पर थी। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का एक मॉडल बना हुआ है। अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, दंगाइयों के खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश को मजीद प्रस्तुत करता है। उसको देश और दुनिया के अंदर लोग एक नजीर के रूप में लेकर के उसको लेते हैं कि वाह, दंगाइयों को रोकना यूपी मॉडल ले लिया। और भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, याद करिए 2017 के पहले 12 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या आपके यहां बिजली आती थी? क्या बिजली आती थी? आज बिजली मिल रही है, बिजली मिलने में कोई भेदभाव तो नहीं है ना। सपा की सरकार में तो बिजली की भी जाति होती थी और बिजली की भी मजहब हुआ करता था। होली और मुहर्रम रहेगा तो बिजली आएगी, मुहर्रम और ईद में बिजली, लेकिन होली और दीपावली पे बिजली गायब रहते। आज तो बिजली, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली मिल रही है ना, कोई भेदभाव तो नहीं। मुझे एक बात बताइए, कोरोना कालखंड है, पूरी दुनिया में लाखों लोग मर चुके हैं, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का जितना बेहतरीन कार्य हुआ, पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है। सड़क के उस पार, सड़क पे जो लोग हैं उन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है क्या? वैक्सीन लेने वाले लोग मुझे बड़ा बताइए, कितने लोगों ने कोरोना का टीका लगा लिया है? ज्यादातर लोग टीका लगा दिए हैं और उसी का परिणाम है तीसरी वेव कब आई कब गई कोई पता ही नहीं लगा। यानी कोरोना का वैक्सीन प्रभावी है ना, लेकिन जो लोग बोलते थे ये वैक्सीन नहीं लेंगे, ये तो मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है, आज उनको अपने वोट की चोट से जवाब देंगे ना कि अगर इस वैक्सीन ने हमारी जान को बचाया है तो वोट भी यही जाएगा, बताएंगे ना। सभी लोग सहमत हैं भाइयों बहनों? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लिया किसी ने आपसे? किसी से कोई पैसा? सपा बसपा की सरकार होती तो ये वैक्सीन भी मार्केट में ब्लैक हो जाती। डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की मिल रही है कि नहीं मिल रही है? दो बार राशन मिल रहा है, साथ में दाल तेल नमक भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये जो राशन का पैसा है, ये जो दवा का पैसा है, वैक्सीन का पैसा है, सड़क का है, पॉलिटेक्निक का है, आईटीआई का है, मेडिकल कॉलेज है, एम्स है, भाइयों बहनों ये काम 2017 के पहले क्यों नहीं होते? क्योंकि 2000 पहले जो सरकार प्रदेश में थी, विकास उसके एजेंडे में नहीं था, गरीब कल्याण उनके एजेंडे में नहीं था। 2017 के पहले समाजवादी पार्टी रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी के एजेंडे में था अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देना, आतंकवादियों के प्रति संवेदना व्यक्त करना। वे गरीबों को मकान नहीं देते थे, गरीबों को शौचालय नहीं बना के देते थे, गरीबों को बिजली नहीं देते थे, गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं देते थे, गरीबों को 5 लाख आयुष्मान भारत का कार्ड भी नहीं
की गठबंधन की सरकार ये सभी सुविधाएं गरीबों को फ्री में उपलब्ध करवा रही है ना। मुझे एक बात बताइए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया कि नहीं हो गया? उसमें ये काम होना चाहिए था, सपा करा सकती थी, बसपा, कांग्रेस। भगवान राम का भव्य मंदिर बनने से आपको प्रसन्नता है ना? किसने किया, कौन बनाया है? भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण पर गौरव की अनुभूति होती है ना? और भाइयों बहनों, यही नया भारत का नया उत्तर है। तो यूपी में रायबरेली में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा